अस्सलाम वालेकुम, सबा कुजीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड कैरमल खीर। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर दूध, आधा कप चावल, इसको पानी में फूलने देना है, और 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1 छोटी चम्मच छोटी इलायची पाउडर। अब हम लोग बना लेते हैं आगे। ये देखिए, दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। ये देखिए, दूध बॉयल हो गया है। अभी इसको बॉयल करते रहना है थोड़ा देर। अब इस टाइम हम लोग चावल डाल देंगे। चावल को पानी में 10 से 15 मिनट तक बस फुलाना है, उससे ज़्यादा नहीं। चलाते रहे। सिर्फ तब तक पकाना है जब तक दूध आधा ना हो जाए। ऐसे ही चलाते रहना है। इसी बीच में डालेंगे ये कस्टर्ड। 1 चम्मच दूध में इसको मिक्स कर लिए अच्छे से, इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, डालकर चलाएंगे। ये देखिए, ये चावल लगभग गल चुका है और दूध भी आधा हो चुका है। देखिए, ये गाढ़ा हो गया है। थोड़ा देर और पकेगा तब ये गल जाएगा। ये देखिए, ये लगभग हो गया है। अब इसको हम लोग साइड पर रख देते हैं और पैन चढ़ा लेते हैं। ये देखिए, ये पैन चढ़ा दिए। अब इसमें ये जो पिसी हुई चीनी है इसको डालेंगे, इसमें डाल के हम लोग को पकाना है चीनी को। ये देखिए, ये चीनी अच्छे से डाल हो गया, मेल्ट हो गया है। अब हम लोग गैस ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। ये देखिए, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे आधा कप से कम पानी। पानी डालते ही इसको ढक्कन से ढक लेना है। दो मिनट बाद चेक करेंगे।
चेक कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से मिल गया है। अब हम लोग इसको खीर में डाल देते हैं। देखिए गैस ऑन कर दिए हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे ये चीनी। डालकर अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिलाकर 5 मिनट तक और पकाना है। ये देखिए बन गया है, गाढ़ा हो गया है एकदम खीर, चावल भी पक गया है। ये बनकर तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए बनके तैयार है कस्टर्ड कैरमल खीर। बहुत मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।